अगर अपना बेटा चाहिए तो चुप रहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? मत कर मेरे साथ। हाँ, माफ कर दूँ, माफ। प्लीज मुझे। नहीं 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 नहीं। वेलकम बैक टू आवर चैनल तुका 2.0। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मासूम रजा। दोस्तों हमारे साथ बैठी हुई है रूबी जी और उनके लड़के उज्जवल। क्या सारी बातें हैं, इनका आरोप है, इनका कहना है कि इनकी वाइफ इनके ऊपर बहुत अत्याचार करती है, जो कि इनकी बहू है, एक साल पहले शादी हुई थी। इन बातों में कितनी सच्चाई है मुझे कुछ नहीं मालूम है। पहले हम उनके लड़के उज्जवल से बात करेंगे। उज्जवल, ये पहले बताओ आपकी शादी कब हुई थी और उस लड़की का क्या नाम है जो आपकी वाइफ है? जी, मेरी शादी एक साल पहले हुई थी और मेरी वाइफ का नाम पूजा है। अच्छा, तो मतलब ये एक सालों में आपको कभी दिखा नहीं कि वो मेरी माँ पे अत्याचार कर रही है या फिर मेरे घर के लिए गलत है, मेरे लाइफ के लिए गलत है, जो आपके जीवन साथी है वो आपके लिए गलत है, तो आपको ये एक साल के अंदर लगा? नहीं, मेरे को एक साल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और इतना बड़ा आरोप आपकी बीबी के ऊपर लगा रही है आपकी माँ, आप सोच लो, जो आपको जन्म दिया, जो आपको पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, इतना लायक बनाया कि आप कुछ कमा पाओ, इस दुनिया में जी पाओ, तो वो आपके ऊपर आरोप लगा रही है तो झूठ बोलेगी नहीं। तो आप ये पहले बताओ, तो आपकी वाइफ ऐसा क्यों कर रही है, आपको कुछ पता है? जी, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो ऑफिस चले आता हूँ, उसके बाद घर के पीठ पीछे क्या होता है मुझे क्या पता होगा सर। अगर आज आपकी वाइफ गलत साबित होगी, आपकी माँ को परेशान करते हुए दिख जाए, क्योंकि कैमरा लग गया है, जो भी चीचे होगा तो दिख जाएगा, कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, तो आप क्या फैसला लोगे अपने वाइफ के ऊपर, कुछ एक्शन लोगे ना? जी बिल्कुल लेंगे। ठीक है, तो रूबी जी ये पहले बताओ, आप आपका लड़के ने को कुछ नहीं पता, इनको ब्लैंक है, क्योंकि इनको कुछ देखा नहीं तो बच्चा क्या बोलेगा, तो आप बताओ क्या क्या होता है आपके साथ घर में जब ये नहीं होता है? तो क्या बताऊँ बेटे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जब मेरा उज्जवल जाता था घर से बाहर तो मुझ पर ना मारती थी, झाड़ू से मारती थी, खाना नहीं देती थी, यहाँ तक कि गला भी दबा दिया करती थी मेरे साथ। मैं डर के मारे इसलिए नहीं बोलती थी कि मेरा बच्चा बाहर निकलता है और कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी, एक मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। उनने मुझे ये धमकी दी थी, अगर बुढ़िया तूने अपने बेटे को बताया तो मैं तेरे बेटे के खाने में जहर दे दूंगी। तो मैं बताओ मैं कैसे बोल सकती थी अपने बेटे को? कि तुम्हारी वाइफ अच्छी है तो देख लो क्या सारी चीज़ें। दोस्तों सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इन उज्जवल को भी नहीं पता, इसमें उज्जवल का कोई हाथ नहीं है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहो, जब तक कब आएगी वो? अभी थोड़ी देर में आने वाली है, मैंने उसको बुलाया था। जब तक वो आएगी आप लोग वीडियो में बनो, बाकी हमें भी नहीं पता, हम बस वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, आप लोग बस वीडियो में बने रहो। उज्जवल। हाँ माँ, क्या हुआ? जा बेटे। अरे माँ कुछ नहीं होगा, माँ मैं हूँ ना यहाँ पे। देखियो पूजा मुझे ना फिर मारेगी, नहीं मारेगी, करेगी नहीं करेगी, उसे मैं खाना खिलाएगी बस। नहीं माँ, कैमरे लग गया ना, टेंशन क्यों ले? कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? आप घबराओ, मेरा साथ दे रहे हो तो पूरा साथ देना, पूरा साथ देंगे भाई। आ रही है, हाँ यही यही अच्छा यही है। देखो वो आ गई, देखिए देखो वो आ गई। तुम जल्दी आना। क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ मैंने तुमको यहाँ बुलाया था, आओ माँ को खाना खिलाओ, माँ की दवाई का टाइम हो रहा है, हमको जरा काम से जाना है, मेरे को माँ की दवाई के लिए जाना है, फॉर्म वगैरह भरना है माँ का, तो माँ का ध्यान रखना तुम, है ना? माँ मैं आ जाऊँगा, माँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, जल्दी आ। माँ तुम ध्यान रखना, माँ तुम ध्यान रखना अपना। ले बुढ़िया तेरी सेवा करूँ, तुझे खिलाओ पिलाओ सारा करूँ, है? नहीं नहीं मैं खा लूंगी, नहीं मैं खा लूंगी, मैंने कहा मैं खा लूंगी। नहीं, मुझे रीति खिलाएगा, बहुत नाटक करती है मेरे सामने, तो शर्म आ रही है। हाँ इसे, हाँ। तुम दिखाओ। नहीं नहीं खाओ। नहीं 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 तुम लोग की नौटंकी देख देख के ना मैं पागल होगी, तेरे दिमाग खराब हो गया, खा इसको। पूजा मत परेशान कर तू मुझे, दिमाग खराब कर रखा है तुमने, तुम्हारे बेटे ने मन तो करता है तुम दोनों को जहर दे के मार दो। क्या क्या मेरे बेटे ने, इतना भोला भाला मेरा बेटा है भाई, जायदाद की अगर मुझे जरूरत नहीं होती ना कब का मार देते तुम दोनों माँ बेटे को, जिंदगी खराब कर देते तुम दोनों। मैंने सोचा नहीं था पूजा, जब मैं तुझे ब्याह के लाई थी तो तू ऐसा करेगी मेरे साथ, तू जायदाद के लिए मेरे बच्चे के साथ ऐसा करिए, मेरा इकलौता बच्चा है, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना देख
आने दे, मैं सब बात तेरी कह दूंगी, सारी बात कह दूंगी, सारी बात एक एक बात कह दूंगी तेरी मैं, तेरे उसके पीछे तू मेरे साथ क्या क्या करती है बता देना। अगर अपना बेटा चाहिए तो चुपचाप रहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, चुपचाप रहना पड़ेगा। अगर आपको बेटा चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर बता देना मुझे। अगर एक भी बात उसको बताई ना, एक भी बात, मैं जान से मार दूंगा, समझे, जान से मार दूंगा। बहुत दिमाग खराब कर रहा है तुमने, मेरा क्यों मेरा जीना आराम कर रखा है तुमने, मर जाओ तुम जाके कहीं, शर्म नहीं आती तुझे, शर्म नहीं आती तुझे, तुझे शर्म नहीं आती, तू कभी सास नहीं बनेगी क्या, तू कभी सास नहीं बनेगी, पर आपकी तरह नहीं करूंगी मैं। तेरा भी यही हाल होगा जो तू मेरे साथ कर रही है, आने दे मेरे बेटे को, सब बोलूंगी तेरे बारे में, नहीं कहती थी कुछ भी कि अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, पर तू सुधरने वाली नहीं है मुझे लगता है। मुंह बंद होगा आपका, नहीं होगा, हाँ मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। अब वैसे ये बताओ, तुम दोनों यहाँ पे आयो, कुछ साजिश तो नहीं कर रहे मेरे खिलाफ, कुछ बता तो नहीं रही तुम, साजिश कर तो नहीं रहे, सच बताओ, सच सच बताओ क्या, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं पूजा, क्या करूँगी मैं तुम्हारे संग, जानते हो ना तुम, जानते हो नहीं जानते हो, हाँ चुपचाप खाना खाओ, खा रही हूँ मैं, जब तक फोन चला रही खाना पूरे सुन, खा रही हूँ। तुम रो क्यों रही हो, खा नहीं सकती चुपचाप, हमेशा रोती रहोगी, बेमतलब का झूठ मूठ कर ड्रामा करती रहती हो, खा इसको चुपचाप, सुन ना लो मैं आवाज दोबारा, क्या ड्रामा चालू रहता है तुम्हारा यार, हमेशा ड्रामा, हमेशा ड्रामा, नौटंकी नौटंकी, जितना मर्जी करवा लो तुमसे, खा रहे हो नहीं खा रहे, चुपचाप खाना, अभी बेटा आएगा उसको शिकायत करने बैठ जाएंगी, खाओ इसको जल्दी, कब खाओ फिर फटाफट, आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, ये ड्रामा बंद होगा नहीं होगा, ऐसे ड्रामा करती रहोगी तुम क्या चाहती हो, क्या चाहती हो तुम, इतना बताओ मुझे, क्या चाहती हो, क्यों कुछ करवाना चाहती हो, कुछ करवाना चाहती होगा तुम, जैसा नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, पूजा मत कर मेरे साथ ऐसा, मत कर मेरे साथ, चुटकी बजा दी लो खाओ, मैं खा खा लो बस, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ माँ, तुम लोग क्या हो गया, मुझे मार दिया, मुझे क्या हुआ, मेरा हाथ मोड़ रही थी, देख देख देख, ये शादी कैसे मांग रहे थे, ये झूठ बोल रही है, उज्ज्वल ये तेरे पीछे मुझे मार रही थी, क्या हुआ, ये बोल रही थी ये बोल रही थी तेरे बेटे को मैं जहर दे के मार दूंगी, क्या बोल रही है, झूठ बोलती है, झूठ नहीं बोल तू, झूठ नहीं बोल तू, तू मेरे बेटे के सामने पीछे झूठ मत बोल तू, साइड में झूठ नहीं बोल, क्या किया तुमने, नहीं तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, ये झूठ बोल रही है, देख इन्हें मेरा हाथ मोड़ा, देख देख कुछ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ खाना खिला रही हूं, साइड में हो, इधर आओ, उसे बोल, इधर से बोल, सामने मत आ, ये क्या है, झूठ क्यों बोलेगी ये, खुद अभी समझ में आ रही है, इतनी उम्र में अपने बेटे के लिए क्यों झूठ बोलेगी ये, तुम बहू है, खाना खिला रही हूं इनको मैं, खाना खिला रही तो रो क्यों नहीं है ये, अब रो रही है, बेटे झूठ बोल रही है, क्या हुआ था, क्या बात, इन्हें मेरा हाथ मोड़ा, मेरा मुंह दबाया, गला दबाया, ये झूठ बोल रही है, उज्ज्वल ये झूठ बोल रही है, उज्ज्वल ये कह रही थी तेरे बेटे को मैं मार दूंगी, तेरे बेटे को जेल देके मैं मार दूंगी, पीछे साइड हो जा, तू साइड हो, सच बता सच्चाई क्या है, कुछ नहीं, मैं तो इनको खाना खिला, उज्ज्वल तुम्हारी बीवी है, तुम पूछो, हम क्या कुछ बोल सकते हैं इसको, क्या बात हुई तो मुझे बताओ, क्या हुआ,
था पूजा, माँ ऐसे कैसे हो गई? माँ को क्यों रोना आ रहा है? तुमने माँ के हाथ पे क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रही है। पूजा मुझे सच बताओ क्या हुआ था? अभी तो ठीक ठाक थी, जब जा रहे थे तो ठीक ठाक थी, चुप थी। रो माँ इतनी डरी सहमी कैसे है? ऐसा क्या कर दिया तुमने? कुछ नहीं किया। पूजा मुझे सच बताओ, विश्वास क्यों नहीं कर रहा? मैंने कुछ नहीं किया इनको, झूठ बोल रही है। ये झूठ क्यों बोलेगी? एक चीज बता, ये क्यों झूठ बोलेगी? तुम बोल रहे हो कि ये झूठ बोल रही है। तेरे सामने कुछ और होती है, तेरे पीछे कुछ और होती है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं ऐसे बोल रही हूँ, अपने बेटे से शिकायत कर रही हूँ। पीछे हट, हाथ नहीं लगाना मुझे, पीछे हट जा। ये अब नहीं सच बताएगी, अब ये सच नहीं बताएगी, मैं इसका सच बता रहा हूँ। ठीक है, तू सच नहीं बताएगी? ये बता कौन है, ये कौन हाथ मरोड़ रहा है? बता। मतलब तेरा पति ना, तेरा सहर है बस। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ऐसी है। माँ मुझे माफ कर दो। क्यों कर रही है? बेटा देखा, ये तुम ही हो ना? हाथ मरोड़ रही हो, पैर मरोड़ रही हो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। एक चमाट में ना मर जाएगी, बेहोश हो जाएगी यहीं पे। माफ कर दो। क्या करना भाई तेरे को? बता क्या करना इसके साथ, क्या करना बता। माफ कर दो प्लीज मुझे। नहीं 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 मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुमने पाप किया है, तुमने मेरी माँ के साथ अत्याचार किया है। यही पैर धोती सेवा करती ना तो ये दिन नहीं आता तुम्हें। इतना अच्छा पति मिला, इतनी अच्छी सास मिली है, उसे तुम ये कर रही है? मुझे माफ कर। क्या माफी, किस बात का माफी मांग रही हो? किस बात, इसने क्या किया जो तुम्हें? क्यों कह रही है प्रॉपर्टी? तुम सारी बात सुन रहे थे ना? मैं सब सुन रहा था, मैं यही खड़ा था, मैं सब सुन रहा था। गलती हो गई, ऐसी कैसी गलती हो गई? तुमने माँ के साथ ऐसा कैसे? भूली हुई माँ है मेरी। तुझे इसके साथ रहना है? मुझे नहीं रहना इसके साथ। मम्मी के साथ उधर मत जा, मार दूंगा। माँ के साथ रहना है? मुझे अपनी माँ के साथ रहना है, मेरी माँ प्यारी है। निकल यहाँ से, मुझे माफ कर दो प्लीज। एक चल सामान पकड़, निकल निकल यहाँ से, चल निकल। भगवान जैसी सास के साथ ऐसे कर रही है। माँ मुझे माफ कर दो। तुम ये पहले बता, आप इतना सह क्यों रहे थे इसकी? नौटंकी, उसने मुझे बेटा धमकी दे रखी थी कि वो मेरे बेटे को जहर देके मार देगी, और मैं नहीं चाहती मेरा इकलौता बेटा है कि वो मर जाए। इसका सहारा है मेरे पास, वो किसी का सहारा नहीं है, मेरे बच्चा है ये। सॉरी आंटी, देखो हम लोग को नहीं पता था, ठीक है? इस बच्चे को क्या पता था? माँ मुझे भी कुछ नहीं पता। भाई क्या करना, उसके साथ तुझे रहना है? नहीं, अब मैं उसको कभी नहीं दिखाऊंगा भाई। ऐसी औरत को ना एक मौका भी मत देना। बिल्कुल नहीं दूंगा भाई, कभी नहीं दूंगा। आज के बाद मैं उसको कभी देखूंगा भी नहीं। जिसने मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ किया भाई, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। जो भी चीज़ है ना आंटी, देखो सब गलती ना उसकी है। आपके बेटे बस ओझल में थे, अंधेरे में थे। बाकी जो भी चीज़ें, मैं वीडियो को क्या करूँ, अपलोड कर दूँ? भाई आपकी मर्जी है। ठीक है आंटी, कर दूँ अपलोड? असलियत तो आगे असलियत दिखनी चाहिए। और जो जो बहुएँ अपनी सासों के साथ बुरा सलूक करती हैं, उनको भी देखना चाहिए और दिखाना चाहिए, ताकि कोई कोई बहू अपनी सास के साथ इस तरह से ना करे। दोस्तों बाकी आप लोग के हाथ में जो करना है करो आप।